स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ एक्टिंग के लिए. ये ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको रेडियो सिटी के थ्रू मिल रही है. मूवी तोड़ते भी सोच रहा होता हूँ कि साले इसमें से हाउ कैन वी मेक मनी आउट ऑफ इट. देखिए बात ही करते थे कि आरजे राशि का प्रेजल ही कर दो. रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर बिल्कुल नहीं भूल सकते आप, क्योंकि गिग सिटी का लाइव जैम जो हमने बोला था नंबर वन यानी जैम फाइनली ये हो रहा है और अभी स्टेज पर हारी है, लेकिन बैक स्टेज हमारे साथ बादशाह है. यस. और भाई लाइव बोले तो जिंदा बातचीत हम लोग कर रहे हैं. बादशाह अभी जैसे कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताएं, कौन सा है कि जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये वाला जो है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है. ड्रीम प्रोजेक्ट तो नहीं है, बट अभी एक गाना आ रहा है शी मूव इट लाइक 7 दिसंबर को, जो कि एल्बम से है, शूट किया है, 7 दिसंबर को रिलीज हो रहा है. और फिल्म एक प्रोड्यूस करी है मैंने पंजाबी, वो 11 जनवरी को रिलीज हो रही है नेक्स्ट ईयर. स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ एक्टिंग के लिए. एक्टिंग, ये ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको रेडियो सिटी के थ्रू मिल रही है. एक्टिंग, बादशाह को हम कैसे कैरेक्टर में देखेंगे? कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब है वो. कैसा? मतलब दो तीन, मतलब कुछ अजीब सा ही होगा. कैसा मतलब? ऐसा कितना? बोले या तो मैं विलेन बनूंगा. नहीं, बट ऐसा सही कुछ करने का मन है. मैं टिपिकल हीरो नाम है मेरा, मुझे ऐसा लगता नहीं मैं कर पाऊंगा, बट कुछ भी ऐसा जिसका एक कैरेक्टर हो जो एक अजीब सा हो, अलग सा हो. Okay. अच्छा, ऐसे तो बोला जाता है, मतलब आपके प्रोफेशन में रहता है इट्स योर बॉय बादशाह, लेकिन जब बादशाह स्टेज पे नहीं होते हैं तो क्या वो ममाज बॉय होते हैं कि डैडीज बॉय होते हैं, क्या होते हैं? ना ममाज बॉय ना डैडीज बॉय. मैं हमेशा 24 घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ काम चल रहा होता है कि मैं अपना कॉन्सर्ट और अच्छा कैसे करूं, मैं अपना म्यूजिक और अच्छा कैसे करूं. जैसे मैं और वेंचर्स हैं, स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं, किसको क्या प्रोड्यूस कर सकता हूं, क्या क्या मतलब कुछ भी, बस काम चल रहा होता है. मतलब कोई ऐसा टाइम होता नहीं है जब मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो. तो खाली टाइम नहीं है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई हॉबीज भी मेरी फिल्म देखना ही है. कभी मूंगफली तोड़ने का टाइम मिलता ही नहीं, मतलब खाली बैठे ऐसे मूंगफली तोड़ते भी सोच रहा होता हूँ कि साले इसमें से हाउ कैन वी मेक मनी आउट ऑफ इट. ऑलराइट. अच्छा, अब अगर बात करें कि जब भी लखनऊ के क्राउड को आप देखते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे क्राउड को देखते हैं, क्या एक बहुत क्यूट सी चीज है जो आपको मतलब बाकी सिटीज से इन सबको अलग करती है, मतलब लखनऊ के क्राउड में ये वो चीज मिली? लखनऊ, आई थिंक दिस माय थर्ड टाइम दैट आई एम कमिंग टू लखनऊ, एंड लखनऊ का क्राउड बहुत प्यार करता है. बहुत प्यार करता है आपको, बहुत वो फील होता है, जेन्युइनली फील होता है वो. और यहाँ पे मैं कुछ नए गाने पहली बार परफॉर्म करता हूँ, जैसे जो शी मूव इट लाइक है जो गाना रिलीज होना है 7th को, तो आई थिंक आज मैं वो परफॉर्म करूंगा. तो ये इट्स लाइक अ होम ग्राउंड फॉर मी. तो होता है ना जब आप कोई चीज बनाते पहले अपने लोगों को सुनाते हैं, तो दिस इज लाइक दैट फॉर मी. क्या बात है. टुंडे कबाब की नगरी में जब छोले भटूरे आते हैं तो वो कैसा रंग जमाते हैं ये आपको बताएंगे. एंड एक लास्ट मैसेज, बहुत सारे ऐसे अपकमिंग सिंगर हैं या वॉनबी सिंगर हैं जो एक बार आपका कॉन्सर्ट देखने के बाद एकदम कहते हैं ना मोटिवेट हो जाते हैं, मुझे बादशाह जैसा बनना है, एक मैसेज आप उन यंगस्टर्स को अगर देना चाहें तो क्या होगा? कि ये मोटिवेशन हमेशा बरकरार रहे, कभी भी गिव अप नहीं करना. आई थिंक लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके सक्सेस का क्या राज है, लिखता कैसे है, सब बहुत टैलेंटेड. आई थिंक द ओनली जीनियस थिंग दैट आई डिड वाज नेवर गिव अप. दैट वाज द ओनली जीनियस थिंग. ये है मूल मंत्र जो आपको मिल रहा है बादशाह से. एंड रेडियो सिटी के लिए कुछ कहना चाहेंगे, स्पेशली आरजे राशि, कुछ बोल दीजिए, मेरा भला हो जाएगा, मेरा अप्रेजल अच्छा होगा, ये पॉइंट जरूरी. तो मुद्दे की बात ही करते थे कि इसका अप्रेजल, आरजे राशि का अप्रेजल ही कर दो. यस.